कोठी में सुई ना निकले वो नहीं निकला कोठी में से नसीम। अच्छा नसीम कोठी में से नहीं निकलता ना। अच्छा दस साल नहीं देखो पेड़ के। अच्छा हम तो विधायक ममन खान सुन रहा जी उजागर क्यों क्या वजह है? बस वजह है हमने दोनों देख लिया आज तक आवे जावे ना उन मतलब ना कोई पब्लिक सुहारी बीमारी कौन नहीं आता तकलीफ। आजाद मोहम्मद है नसीम मोहम्मद है दो ही तो हमारे विधायक तीसरो भाई ममन खान निकलो है भाई हम तो वाकवाड़ी साहब चलनी ना दिया वाक और वो आदुल तो घिरोड़ा के चक्कर में रहा 24 घंटा ममन खान को बिल्कुल भी आप कह सको नसीम हुई हो आजाद हुई हो वो तो आज आपको आज घिरे ही तो चाहते हैं आज जेल जाते बिल्कुल। अच्छा प्रदेश का मेवात इलाका जो विकास से कोसों दूर है चुनाव के दौरान तरह तरह के वादे और दावे नेताओं द्वारा किया जाते हैं सरकारें बदली नेता बदले लेकिन मेवात के हालात नहीं बदले। अब वो चुनाव का दौर आ गया है जिसमें नेता तरह तरह के वादे करके जनता को लुभाते हैं और मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करते हैं। जनता के इस बार क्या मुद्दे हैं? क्या ये लोग बदलाव चाहते हैं? क्या मेवात की स्थिति इस बार बदलेगी या फिर इसी तरीके से सूरत और सीरत रहेगी? फिरोजपुर विधानसभा के अंदर हमारी मौजूदगी है, लोगों से बातचीत करेंगे। क्या इनके मुद्दे हैं इस बार चुनाव को लेकर? किस तरीके से ये लोग अब की बार मतदान करने जा रहे हैं? चाचा क्या नाम है, नाम बताओ। शहीद है जी नाम। शहीद जी। अच्छा किस तरीके की समस्याएं मेवात में रही, क्या अहम मुद्दे हैं आप लोगों के? तो कुछ हो गई ना जी, बुंदा ही कहा। अच्छा कुछ होता ही नहीं है ना, कहा हो गई ही। क्यों नहीं होता, क्या वजह है? बस ये लीडर ही ऐसा सकरुल्ला को रहो 10 साल वो कोठी में सुई ना निकले। वो नहीं निकला कोठी में से नसीम। अच्छा नसीम कोठी में से नहीं निकलता ना। अच्छा 10 साल नहीं देखो पेड़ के। अच्छा तो कौन सा ऐसे नेता है जिस पे भरोसा है कि विकास करा सकता है, इलाके की तस्वीर बदल सकता है? देखो जी ये तो लीडर का हाथ में है, कौन सो है कौन सो ना है, जब कौन सो करेगो। किसको चुन रहे हैं इस बार यहाँ से? ये भी ऊपर वाला जाना है जी, मतलब ये कुछ है जी ऊपर वाला का हाथ में जी। थोड़ा तेज बोलिए। ऊपर वाला का हाथ में जी, कौन बनेगो कुछ पता ना है। इलेक्शन है, कौन हारे कौन जीते ये तो ऊपर वाला का हाथ में। कुछ मन भी तो बनाया होगा ना? अभी कुछ ना बना हो जी। लोग कह रहे हैं कि ममन ममन हो रही है फिरोजपुर में, क्या सच्चाई है? अभी देखेंगा जी, अभी अभी तो कोई मतलब ये। हाँ तो अभी कोई मन नहीं बनाया आप लोगों ने ना? चलिए। हाँ जी क्या नाम? नाम इदरीस। किस तरीके से देखते हैं कैसा नेता चुन रहे हैं फिरोजपुर से? भाई हम तो विधायक ममन खान सुन रहा जी उजागर। क्यों क्या वजह है? बस वजह है हमने दोनों देख लिया आज तक आवे जावे ना उन मतलब ना कोई पब्लिक सुहारी बीमारी कौन नहीं आता तकलीफ। आजाद मोहम्मद है नसीम मोहम्मद है दो ही तो हमारे विधायक तीसरो भाई ममन खान निकलो है भाई हम तो वाकवाड़ी हैं साहब। हाँ बिल्कुल कोई ही कमी ना है नो, एक दो तरह हमारे उष्टा बिष्टा भाई हम दम तो बिल्कुल मैन। क्या उम्मीद है ममन खान? फुल उम्मीद है मतलब हर 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 बीमारी में हारी में बीमारी में तकलीफ में लड़ाई में झगड़ा में शामिल होवे, फोन भी करे। जैसे लोग तो कह रहे हैं टिकट ही नहीं मिल रहा ममन को तो। अब टिकट मिले ना मिले जी, वोट मिलेंगे भाई लो। अच्छा हाँ वोट वाइल मिलेंगे, वोट उसी को मिलेंगे वाइल मिलेंगे बिल्कुल भी 70%। हाँ 70% और आधा में तो हूँ ने जहाँ शक्ति खूब शक्ति है ना हूँ भी आधा गाँव आधा में गाँव में। अच्छा हाँ नहीं 70-60-65 फुल वोट किसी बात ना है। बीजेपी वाले बड़ा दावा कर रहे हैं तीसरी बार का खूब करा। अब किन कर भाई हम तो यहीं कवाड़ी हैं भाई, हम तो यहीं कवाड़ी हैं भाई हम पे तो हम बता ना कुछ को परे को भाई। चाचा बीड़ी पी रहे हैं? हाँ बीड़ी पी रहे हैं भाई। अच्छा कैसा मजा आ रहा है बीड़ी में? मजा इलेक्शन से फालतू आ रहा हूँ। अच्छा क्या है फिर सियासत में क्या मजा आ रहा है? सियासत में मजा ये आ रहा है हमारे यहाँ पर तो कहना 80% जो है मम्मन है। क्या वजह है सब लोग मम्मन मन पुकार रहे हैं? मम्मन का फैन हुए बड़ा से, मम्मन बढ़िया आदमी है। पड़ोस बात से फैन हुए आप लोग? अरे जो हमारे हक में बोलेगा तो फैन होंगे ही। बहरहाली है प्याज सी फोड़ दी इसे हक में बोल गया, फोड़ फाड़ को तो फारिक करिए अब आके दिखा जान ही ना। अच्छा हाँ तो एक वर्ड से आप दीवाने हो गए? एक वर्ड से एक वर्ड से एक जो ये की बहुत ये की बहुत। हाँ विकास की जरूरत नहीं है? विकास तो बुतेर होगा, अब एमएलए हुई हो तो अब अपोजिशन में हूँ तो अपोजिशन में जब कोई काम लाए तो वह जो दूसरी पार्टी वाला वो रुकवा दे, वहाँ जो पावर वाला आदमी वो ना होने दे वहाँ। अच्छा कौन सा काम रुकवा दिया? काफ़ी काम रुका पड़ा बुतेरा चलनी ना दिया वहाँ
और वो आदल घिरोड़ा के चक्कर में रहा 24 घंटा ममन खान को बिल्कुल आप कह सकते नसीम हुयो आजाद हुयो वो थी आजाद को आज घिरे ही चाहते हैं आज जेल जाते बिल्कुल अच्छा। और उनको मुद्दा ही ना है मतलब अलहन तूफान लगाते रहा हूँ वाकई अच्छा। तो अभी किस तरीके से जो विकास की जो हम बात करें मेवात काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है पिछड़ा तो नेता ने कर रखो भाई कहीं और ना कर रखो अहम समस्याएं क्या हैं इलाके की समस्या तो भुतेरिया भाई और मैं कहा बताऊँ तो अलवर जो रोड है आए दिन हादसे होते हैं ना बन दिया ना ये अच्छा हाँ इनकी तो राजनीति चल रही है ऊपर ये बन गए तो फिर राजनीति कहीं रहेगी सियासत हो रही है इसमें बिल्कुल चलिए हाँ जी क्या नाम जमशेद जमशेद ठीक है बढ़िया भाई इस तरीके से देखते हैं कई मुद्दे मेवात में रहे दिल्ली अलवर रोड की बात करें यूनिवर्सिटी की बात करें और रेल सिटी की हम बात करें मेवात के लिए कोई भी काम टाइम पे नहीं होता और नहीं कराना चाहते हैं और लोग क्या वजह है इसकी वजह कहा है सरकार भेदभाव से पेश आती है भेदभाव करती है हर कर्मचारी हर अफसर जितना भी हैं सब भेदभाव से पेश आते हैं सर किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार? भाई हम तो कांग्रेस सरकार बना रहे हैं क्या उम्मीद है उम्मीद है ममन खान जिताएंगे हम हाँ चाचा जी क्या मिला रहे हैं भाई मैं भी यही मिला रहा हूँ मैं ममन को वोट दूंगा अच्छा तो काई सुट टिकट मिले मत मिले वोट ममन की 5% बस और बढ़ेगी अगर टिकट नहीं मिला तो 5% और बढ़त हो जाएगी अच्छा टिकट ना मिलने से बढ़त होगी हाँ और बढ़त हो जाएगी अच्छा कहाँ से आया आंकड़ा ये हमारे यहाँ ये इलाका का आंकड़ा है अच्छा हाँ यानी कि फिर टिकट ना मिले तो बढ़त होगी और बढ़त होगी अच्छा टिकट अगर ममन जी को नहीं मिला तो और बढ़त होगी ऐसे ही है भाई झूठ ना बोल रहे बिल्कुल सच्ची बात ममन तो टिकट ना मिलने पर बढ़त होगी हाँ बढ़त होगी फुल होगी चलिए विकास की बातें तो होती हैं दावे होते हैं लेकिन मेवात में विकास नहीं होता है हर बार नेता नए नए आते हैं सरकारें बदली नेता बदले लेकिन मेवात के हालात नहीं बदले इसके लिए नेता ही नहीं सरकारें भी जिम्मेदार रही कई यहां अहम मुद्दे रहे जो हर बार चुनावी मुद्दे बने लेकिन चुनाव जीतने के बाद सत्ता मिलने के बाद ना नेताओं ने इन मुद्दों की तरफ ध्यान दिया ना सरकारों ने ध्यान दिया इस बार देखते हैं कि किसकी सरकार बनती है जिस तरीके से मेवात में दिल्ली अलवर जो रोड है जिस पर आए दिन हादसे होते हैं यूनिवर्सिटी की मांग भी एक पुरानी मांग है और रेल की सिटी की भी मांग पुरानी है कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर हर बार राजनीति तो होती है लेकिन ये मुद्दे पूरे नहीं होते अब देखने वाली बात होगी कि किसकी सरकार हरियाणा में बनती है कौन फिरोजपुर झिरका की गद्दी संभालेगा क्या यहाँ के ये मुद्दे यहाँ के ये अहम समस्याएं इनका समाधान हो पाएगा या फिर इसी तरीके से चलता रहेगा।